subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. रिश्ता क्या कहलाता में लवकुश अभी गायब है, जहां लवकुश का बिल्कुल भी वजूद नहीं है, जहां लवकुश की एंट्री अब फिलहाल होने वाली है दादी के जरिए। जी हाँ, अगर हम प्रीकैप एपिसोड पर नज़र डालें तो दादी स्वर्णा से बात करती है और कहती है कि लवकुश आ रहे हैं ना कार्तिक की शादी में, लेकिन लवकुश तो नहीं आना चाहते हैं क्योंकि लवकुश को इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बता दें कि अखिलेश से जब लवकुश बात करेंगे यानी कि अपने पापा से, तो अखिलेश को घबराता परेशान होता देख लवकुश पूछेंगे, जहां लवकुश के सामने अखिलेश बता देगा कि तुम्हारी भाभी नायरा जिंदा है और वो भी गोवा में है। इस खबर को सुनकर लवकुश दोनों के दोनों आ जाएंगे जहां पर हैं और उदयपुर हो जाएगी लवकुश की एंट्री, जहां घर वालों को ऐसा लगेगा कि लवकुश वेदिका और कार्तिक की शादी को देखने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लवकुश तो प्लान बनाएंगे, जहां लवकुश हमेशा कायरा को बुलाते हैं तो एक बार फिर से लवकुश ही कायरा को एक करने वाले हैं, जहाँ नायरा और कायरा को लेकर भी आएंगे और घर वालों को झटका भी देंगे। लेकिन क्या घर वाले नायरा को एक्सेप्ट करेंगे और क्या कायरा का सच जानेंगे, तब क्या करेंगे नायरा की बातों पर यकीन? अब सवाल तो कई है, जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.